गुड मॉर्निंग क्लास। सो एज़ यू नो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड वर्क फंक्शन। तो अब जो हमारा टॉपिक है इसमें डुअल नेचर में, और मोस्टली ये जो टॉपिक्स अब इधर रह गए हैं ये सारे टॉपिक शॉर्ट हैं और लास्ट टॉपिक्स ही हैं, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इसमें फिर से एक ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ के बाद में हमें स्टडी करना है एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर होगा, उसमें डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, बस ये टर्म्स रह गए हैं। और उधर वाले पार्ट से भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि कल मैंने ग्राफ को एक्सप्लेन किया था, इसमें हमें इस हेडिंग में क्या करना है, ये हेडिंग है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो आपको पता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का सिंबल होता है एच, और वर्क फंक्शन जो है आपका वो है डब्ल्यू नॉट। तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच ये कॉन्स्टेंट है, और ये कहाँ पर यूज़ होता है, तो देखा है आपने कि इसका यूज़ जो है वो एनर्जी के रिलेशन में भी हो रहा है, इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो अगर आपको एच कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, और कौन से ग्राफ से आपको कैलकुलेट करना है, तो ग्राफ यहाँ दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनता है। तो आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइन टू फ्रीक्वेंसी एक्सेस, क्योंकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ लीनियरली इंक्रीज होती है। तो इसका जो स्लोप दे रखा है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, तो अगर आपको स्लोप यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़े, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से ये थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन करना होगा। जैसे कि हम जहाँ कहीं भी हमें स्लोप फाइंड करना होता तो हम इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन में आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन फ्रीक्वेंसी। और इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन से, तो आपको रिलेशन मिलेगा एच अपॉन ई। तो जो स्लोप होता है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ का, वो हमेशा एच अपॉन ई होता है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू। और इसी तरह से अगर हम नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली एक्सिस में देखें, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो इंटरसेप्ट है नेगेटिव एक्सिस पर, पोटेंशियल वाली नेगेटिव एक्सिस पर जो इसका इंटरसेप्ट है, उसकी वैल्यू आ रही है माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। तो यहाँ से हम वर्क फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करना है, ये रिलेशंस कैसे इनके इक्वल आ रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग हमें वहीं से करनी है। ये दो रिलेशंस आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। एक तो रिलेशन होता है आपका जो आप आइंस्टाइन से इक्वेशन में पढ़कर आए हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है, या फिर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर जो होता है, दैट इज़ इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। और इसी में एक और चेंज होता है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल ले रखी है, तो डब्ल्यू नॉट की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं एच न्यू नॉट से, और तब रिलेशन आ जाता है कि मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर एक तो रिलेशन हमने ये ले रखा है, ठीक है। और वही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इस वाले ग्राफ में हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रखी है। ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी बन सकता है, उसमें ये वाली एक्सिस काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और दिस इज सेम एज फ्रीक्वेंसी। न्यूमेरिकल्स या रीजनिंग के क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो, ठीक है, वो क्वेश्चंस बाद में एक्सप्लेन होंगे कि ग्राफ में कौन कौन सी एक्सिस का यूज़ हो सकता है। तो अब हमें इस रिलेशन में काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, जो कि ग्राफ में दे रखा है। तो हमने लिखा है कि V नॉट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी या फिर जो वर्क डन होता है, दैट इज़ इक्वल टू Q इंटू V, और Q को हमने E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से रिप्लेस कर दिया है, और V है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V नॉट। तो एक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ये भी होता है। तो इसको अगर हम ऊपर वाले रिलेशन में पुट करें, तो जो जैसा कि ग्राफ हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर ली हैं, तो ई वी नॉट इज़ इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैसे एच अपॉन ई कैसे आ रहा है, स्लोप कैसे शो हो रहा है एच अपॉन ई या फिर डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। तो उसके लिए ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से वी नॉट फाइंड आउट करें, तो देखेंगे आप किस फॉर्म में इक्वेशन वन आ जाती है।
तो वी नॉट फाइंड आउट करने से ये हो जाता है एच अपॉन ई और आउटसाइड द ब्रैकेट न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई. ओके, तो ये जो इक्वेशन वन है आपकी, ये इक्वेशन आपने मैथ्स में स्टडी की है या फिर अगर नहीं की है, याद नहीं है आपको, ऐसे जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो कि ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है जहाँ m जो होता है m, उसको m को हम लिख सकते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू टेन थीटा, और जो ये टेन थीटा होता है यही स्लोप होता है इस स्ट्रेट लाइन का. तो जो स्लोप हमें फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर m से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो ये इक्वेशन जो ऊपर हमने ड्राइव की है v नॉट के लिए, उसको हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. ठीक है, तो m स्लोप होगा, तो स्लोप को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ किससे हम कंपेयर कर सकते हैं स्लोप को, जो ये वैल्यू दे रखी है आपकी एच अपॉन ई. तो कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस इट्स क्लियर फ्रॉम इक्वेशन वन दैट वी नॉट वर्सेस न्यू ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्योंकि इक्वेशंस रिजेंबल कर रही हैं, और स्लोप जो है उसका वो क्या है एच अपॉन ई, जो कि वैल्यू एम की है. ठीक है, उसके बाद टू डिटरमाइन द स्लोप, अगर हमें स्लोप को डिटरमाइन करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो m इज इक्वल टू एच अपॉन ई. तो m जो अभी मैंने आपको बताया, m क्या है यहाँ पर टेन थीटा, और टेन थीटा के लिए हम कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो सपोज दैट आपको क्या फाइंड आउट करना है h, तो h फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक साइड तो आपका एच अपॉन ई आ रहा है, दूसरी साइड क्या आ रहा है एम, और एम की जगह आपको क्या रखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और परपेंडिकुलर और बेस का मतलब यहाँ क्या है आपका, जो मैंने अभी बताया कि अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें और हमें स्लोप फाइंड करना हो, तो हम इस जो ये स्लोप की वैल्यू है उसके लिए ये दोनों साइड की जो वैल्यूज़ हैं इनमें ये परपेंडिकुलर हो जाता है आपका और ये बेस. तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और बेस क्या होगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे और कंपेयर करेंगे हम एच अपॉन ई से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू एच अपॉन ई. तो यहाँ हमें ये तीन वैल्यूज़ गिवन होंगी ग्राफ से, और एच हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको समझ में आया कि एच अपॉन ई क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, और उसका जो स्लोप एम है वही स्लोप है यहाँ पर एच अपॉन ई. तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया. अब बात आती है वर्क फंक्शन की. तो वर्क फंक्शन के लिए इंटरसेप्ट ऑन अ वर्टिकल एक्सिस, तो इंटरसेप्ट जो हमने इस पे लिया है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और आप देख रहे हैं जो पार्ट यहाँ पर था सी वाला, क्योंकि जो पूरा रिलेशन है दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो इस पूरे रिलेशन में जो सी आ रहा है इसको हमने किससे कंपेयर किया है, जो वैल्यू हमने नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई एक्सिस पर ले रखी है माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई. ओके, तो इसी तरह से आप इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे. ये जो वैल्यू है आपकी, जैसे अभी आपने सॉल्व किया था माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, ये दे रखा है सी के इक्वल, ऐसे यहाँ भी फाइंड आउट करेंगे तो ये दो वैल्यूज़ आपकी मिल जाती हैं परपेंडिकुलर और बेस. तो इनको पुट करेंगे तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं डब्ल्यू नॉट. ओके, तो कभी कभी ग्राफ्स में अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रीजनिंग वाली सिचुएशंस है, वैसे ऐसा ग्राफ कम आता है, लेकिन फिर भी ये ग्राफ कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, और यहाँ से कभी तो डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो कैसे, मैं आपको ये डायग्राम बनाकर दिखाना होगा और ये पूरा ड्राइव करके दिखाना है कि कैसे फाइंड आउट करना है. कभी कभी ये ग्राफ आपका दे रखा होता है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में. तो उस सिचुएशन में आपको ग्राफ्स की एक्सेस को जैसा कि गिवन है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा. ठीक है, और कभी कभी इनसे वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कराई जा सकती हैं, जैसे एच की वैल्यू या वर्क फंक्शन की वैल्यू. तो जैसा भी क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे, और क्वेश्चन कैसा होता है वो क्वेश्चन को देख कर समझ में आएगा. तो आई विल गिव यू द क्वेश्चन ऑल्सो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या और कैसे कैसे पूछा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. तो जैसा कि आपका चैप्टर का जो नेम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये है आपका पूरा चैप्टर का नेम. तो अगर आपको सिर्फ यही डिफाइन करना पड़े, आपके आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करना है कि हाउ यू विल प्रूव दैट रेडिएशन हैज़ ड्यूअल नेचर, रेडिएशन का डबल नेचर है, आप कैसे प्रूव करेंगे,
तो रेडिएशन यानी कि जो वेव्स होती हैं उनका डुअल नेचर है, उसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो फिनोमिना मैंने बताए थे आपको कि कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, तो जब रेडिएशंस आ रहे हैं और वो रेडिएशंस इन फिनोमिना को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, तो इसका मतलब वो प्रूफ कर रहे हैं कि वेव नेचर है लाइट का। तो जैसा कि आपको पता है कि डुअल नेचर को प्रूफ करने के लिए आपको कुछ फिनोमिना के एग्जांपल्स देने हैं, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, जो कि ये शो करते हैं कि जो रेडिएशंस हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, और बाकी जो फिनोमिना है उनमें आपको पता है कि जो आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन का फिनोमिना था वो पार्टिकल नेचर शो करता है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जांपल्स कौन से देने हैं जिसमें कि क्वांटम नेचर लिया गया था लाइट को, एक क्वांटम की तरह ट्रीट किया गया था, जो बंच था कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स का एंड दोज वर फोटॉन्स। तो यहाँ पर जो फिनोमिना क्वांटम नेचर ऑफ लाइट की हेल्प से एक्सप्लेन होते हैं वो फिनोमिना दे रखे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, तो वो किसे एक्सप्लेन होते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से, यानी कि जब लाइट किसी मैटर से कॉलिजन करती है तो वो मैटर की तरह ही बिहेव करती है, तो दिस शोज़ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इन दोनों के एग्जांपल देकर बता सकते हैं हम कि कुछ फिनोमेना में वो वेव नेचर शो कर रही है, कुछ फिनोमेना में पार्टिकल नेचर शो कर रही है, तो इट मीन्स द रेडिएशन। यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों को अपोजिटली आपको प्रूफ करना पड़ेगा। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब जो वेव्स हैं हम उनकी बात करेंगे कि लाइट वेव्स जो हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं उनका डुअल नेचर आपको बताना है, ठीक है। और फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर अलग चीज़ होगी। डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब होगा जो पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो भी डुअल नेचर रखते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हाई स्पीड के साथ में चलते हैं तो ये वैसे तो जो इनकी रियल स्टेट है दैट इज़ पार्टिकल, लेकिन जब बहुत स्पीडली चलते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेव्स की तरह, रेडिएशंस की तरह, तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, क्लियर। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ही अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब जो लाइट वेव्स हैं उनका नेचर डबल कैसे है। वेव्स तो ऑलरेडी वो हैं ही, उनको ट्रीट किया ही जाता था जो हम वेव थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो मैटर वाला नेचर, पार्टिकल वाला नेचर कैसे रखती हैं वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बाद में पता चला था। तो हाफ जो चैप्टर का हेडिंग है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो उसको हम यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। अब बात आती है डुअल नेचर ऑफ मैटर की, तो ये बहुत एक डिफरेंट फिनोमिना है डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो आपने क्या ये सोचा कि जैसे लाइट वेव्स जो कि वेव्स थी उन्होंने डुअल नेचर रखा, यानी कि उनका जो हाफ नेचर है उसमें वो रेडिएशन की तरह बिहेव कर रही हैं, वेव्स की तरह बिहेव कर रही हैं, और जब वो पार्टिकल्स से टकरा रही हैं तब वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही हैं, लेकिन क्या पार्टिकल्स भी ऐसा ही करते हैं? तो पार्टिकल्स तो ऑलरेडी पार्टिकल हैं, एक फेस तो उनका आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन किन कंडीशंस में वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, किन कंडीशंस में वो रेडिएशंस बन जा रहे हैं? तो उसके लिए एक बहुत कॉमन, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर कोई चीज़ बहुत स्पीड के साथ चलती हुई जाए, हाई स्पीड होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ में तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अगर ये कहा जाए कि आपने ऐसा देखा है तो रेयरली इट विल बी पॉसिबल, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल लें कि ये व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब बुलेट फायर होती है तो बुलेट की स्पीड को हम ट्रीट कर सकते हैं कि बहुत हाई स्पीड है। लाइट की स्पीड के बराबर तो नहीं हो सकती, लाइट की स्पीड से बहुत 1000 times जो है वो कम होगी, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि उसकी स्पीड जो हमारी नोन स्पीड है यहाँ पर हमारे आसपास उनमें सबसे ज़्यादा स्पीड है। तो जब बुलेट फायर होती है बहुत हाई स्पीड के साथ में तो बुलेट यानी कि जो पार्टिकल है, जो मास है वो दिखाई नहीं देता है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई डिस्टर्बेंस बहुत तेज़ी से मूव करा है। इसी तरह से रबर बैंड को मूव करा के आपने देखा है कि रबर बैंड जब मूव करता है तो रबर बैंड की जो पोजीशन है, जो मास है वो दिखाई नहीं देता है, बल्कि उसकी जगह वेव्स दिखाई देती हैं। तो यानी कि किसी भी चीज़ की जब स्पीड बढ़ेगी तो वो कुछ हद तक रेडिएशंस की तरह बिहेव करने लगती है, और अगर स्पीड इतनी बढ़ जाए कि दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट सी, तो सोचिए फिर तो ऑटोमेटिकली इट विल बिहेव लाइक रेडिएशन। तो वैसा ही होता है। तो जो डी ब्रॉगली, साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रॉगली, ने यही
हाइपोथेसिस रखी थी कि जब रेडिएशंस डबल नेचर रखते हैं, मैटर की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव्स की तरह भी, उसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है, उसका भी तो नेचर डबल होगा कि वो ऑलरेडी मैटर है, लेकिन इन सम ऑफ द कंडीशंस, जैसे कि व्हेन इट विल बी प्रोवाइडेड विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये बिहेव करेगा रेडिएशंस की तरह। तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो इंट्रोडक्शन है, दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर कि 1924 द फ्रेंच फिजिस्ट लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, ये जो डी ब्रॉगली है, दिस इज़ इन द डिफरेंट लैंग्वेज, इसलिए इसकी स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से ही मोस्टली होती है, डी ब्रॉगली ऐसे ही लिखा जाता है, पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मटीरियल पार्टिकल्स इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज, जब वो मोशन में होंगे और जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तभी ऐसा शो करेंगे। ओके, सो ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के आगे वाले पॉइंट्स हैं ये हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट द पॉइंट्स कंसिडरेशंस ऑफ डी ब्रॉगली। ओके, एंड दिस इज़ द लास्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।